हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनसी के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएनसी क्या होती है, कैसे ये काम करती हैं, या फिर इनका जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल दीपक टेक टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आखिर ये एमएनसी होती क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर आप कॉरपोरेशन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनीज होती हैं कुछ इस तरह की होती हैं कि इनकी जो जिस देश में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस देश में ये कई तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं लोगों तक, और यहाँ पर इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी होती हैं। मान के चलिए इंडिया के अंदर एक टाटा ग्रुप्स एक है, उसकी ब्रांचेज अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो टाटा ग्रुप कंपनी है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा देशों में फैली हुई है और वहाँ पर भी ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका जो हेड ऑफिस होता है वो वहीं पर होता है जहाँ पर इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। जैसे अगर हम बात करें टाटा ग्रुप्स की, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई के अंदर। उसी प्रकार कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसका जो हेड ऑफिस रहेगा वो उसी कंपनी में, उसी देश में रहेगा जहाँ पर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें दुनिया की जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें आप ले सकते हैं टाटा ग्रुप्स को। टाटा ग्रुप्स को जो जमशेद जी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था 1868 में, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर 30 कंपनीज़ आती हैं जो बड़े लेवल पर काम करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि 100 से ज़्यादा देशों में इनकी ब्रांचेज फैली हुई हैं। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो यहाँ पर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें दूसरी कंपनियों की, जैसे आप एप्पल को ले सकते हैं। एप्पल का काफ़ी ज़्यादा वाइड जो प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराती है लोगों को, एप्पल के फ़ोन के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, आप इसे बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, आप ले सकते हैं। जैसे हमारा ये सोनी हो गया, सोनी के जो स्मार्टफोन्स आते हैं, सोनी के कह सकते हैं टेलीविज़न चैनल्स हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं और ये सारी कंपनीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, कैसे ये काम करती हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।